हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इकोलॉजी से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले के क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस हैं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, टीजीटी पीजीटी के लिए, केवीएस एनवीएस नीट के लिए, बीएससी एमएससी स्टूडेंट का भी सिलेबस में ये होता है, ठीक है। तो चलिए, इसके दो पार्ट मैं करा चुकी हूँ, ये नेक्स्ट पार्ट है। तो रिवीजन के लिए इसे फटाफट आप कर सकते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोलॉजिकल पिरामिड, कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड नहीं है, ठीक है। तो पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ मिनरल्स, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऑल ऑफ द एबव। देखिए, यहाँ पे आंसर होगा पिरामिड ऑफ मिनरल्स, क्योंकि मिनरल्स का कोई पिरामिड हम नहीं स्टडी करते हैं, जो भी स्टडी करते हैं वो पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं। एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेन इज ऑलवेज, फूड चेन के थ्रू जो एनर्जी फ्लो होता है वो हमेशा कैसा होता है, यह जो है साइक्लिक होता है, नॉन साइक्लिक होता है, सेमी साइक्लिक होता है, नॉन नॉन। तो यह जो होता है नॉन साइक्लिक होता है, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा जो होती है, एनर्जी का फ्लो जो है हमेशा एक दिशा में होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ऊर्जा सदैव जो है कि निम्न पोषक स्तर से उच्च पोषक स्तर तक प्रवाहित होती है और प्रत्येक पोषक स्तर पर इसकी मात्रा कम से कम होती जाती है, ठीक है। कंज्यूमर्स और कंज्यूमर क्या होते हैं, चलिए बताते हैं कंज्यूमर क्या होते हैं, ठीक है। ओनली हर्बीवोर्स, ओनली कार्निवोर्स, बोथ हर्बीवोर एंड कार्निवोर और ग्रीन प्लांट्स। देखिए, यहाँ पे बोथ हो जाएगा, जो कार्निवोर और हर्बीवोर होते हैं सबके सब कंज्यूमर ही होते हैं, उपभोक्ता ही होते हैं, या कोई प्रोड्यूसर तो होते नहीं हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी कंज्यूमर्स, आर प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं, हर्बीवोर होते हैं, कार्निवोर होते हैं, ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पे हर्बीवोर जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर या प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, प्रोड्यूसर कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट जो है प्रोड्यूसर होते हैं। नेक्स्ट है नेपेंथिस खैसियाना इज, नेपेंथिस खैसियाना क्या क्या विशेषता है। देखिए, निपेंथिस खैसियाना की विशेषता है कि यहाँ पे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कार्निवोर एंड प्राइमरी प्रोड्यूसर। यहाँ पे है सेकेंडरी कार्निवोर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर। तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि जो निपेंथिस होता है वो ऐसे जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जटिल रासायनिक यौगिक अर्थात अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ये जो नेपेंथिस है अपने भोजन का निर्माण करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और जो है कि प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है। लेकिन द्वितीय उपभोक्ता या प्राथमिक मांसाहारी इसे इसलिए कहते हैं, खाद्य श्रृंखला में नेपेंथिस जो है रसायन, नेपेंथिस खैसियाना जो है ऐसे मृदा में ग्रो करता है जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो जो है इंसेक्ट वगैरह को खा लेता है, पचा लेता है, इसलिए इसे प्राइमरी कार्निवोर भी कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन आर फॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसर, जो ट्रॉफिक लेवल है किसके द्वारा बनता है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। जो हमारा ट्रॉफिक लेवल होता है, इकोसिस्टम में विभिन्न जीवों की परस्पर भोज्य निर्भरता एक खाद्य श्रृंखला द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, फूड चेन के द्वारा हम इसे एक्सप्रेस करते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड जो है खुद सिंथेसाइज करते हैं, इसलिए इन्हें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा, और ये इन्हें प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। जंतु जो होते हैं कंज्यूमर्स होते हैं, जो कि प्लांट्स पे निर्भर होते हैं। नेक्स्ट है ए प्लांट बीइंग ईटन बाय हर्बीवोर व्हिच इन टर्न इज ईटन बाय द कार्निवोर मैक, तो इसे क्या बनता है, इस तरह से करने से क्या बनेगा। तो यहाँ पे फूड चेन बन जाएगा, जब एक प्लांट होगा प्लांट और ईटन बाय द हर्बीवोर, हर्बीवोर इसको खाएगा और उसको जो है कार्निवोर खाएगा, तो क्या होगा, फूड चेन बन जाएगा।
नेक्स्ट है दीज आर द मेन कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन जो होता है उसके मेन कंपोनेंट क्या होते हैं। विभिन्न औद्योगिक संस्थानों की चिमनियों, स्वचालित वाहनों और ईंधन पदार्थों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन आदि गैस वायुमंडल में मिलती रहती है। ये गैसें कुछ दिन पश्चात वायुमंडल में उपस्थित जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल के कण के रूप में बदल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके कार्बनिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ये सारे बना लेते हैं। और जब ये बारिश के पानी के साथ जो है गिरते हैं तो क्या करते हैं, जब ये बारिश के पानी के साथ गिरते हैं तो यह जो है कि ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स और प्लांट्स और जो बिल्डिंग्स हैं उन सबको क्षति पहुंचाते हैं। तो मेन कंपोनेंट जो होते हैं एसिड रेन के वो क्या होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड एस्टिक एसिड। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। एसिड रेन इज मेनली ए मिक्सचर ऑफ, जो एसिड रेन होता है वो किसका मिक्सचर होता है, जो एसिड रेन होता है वो मिक्सचर होता है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का। जो एसिड रेन होता है वो मिक्सचर होता है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का। एसिड रेन इज ड्यू टू, एसिड रेन क्यों होता है, एसिड रेन जो है क्यों होता है, सल्फर डाइऑक्साइड के पॉल्यूशन की वजह से एसिड रेन होता है। नेक्स्ट है एसिड रेन इज कॉज्ड बाय, एसिड रेन क्यों होता है, SO2 पॉल्यूशन, O3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन से या मीथेन से। यहाँ पे आंसर हो जाएगा SO2 के वजह से। द इंडिकेटर इन SO2 पॉल्यूशन ऑफ एयर इज, जो इंडिकेटर होता है SO2 पॉल्यूशन का है एयर में, जो कहीं भी अगर एयर में SO2 का पॉल्यूशन है तो उसका जो इंडिकेटर होता है उसके लिए कौन सा यूज किया जाता है, लाइकेन या फॉर्न या मॉसेस या ब्लैक मोल्ड। तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो होते हैं जब एयर में वर्षा के जल के साथ मिलकर अम्ल वर्षा करते हैं, पृथ्वी पर बरसती है, जो पौधों की पत्तियों को हानि पहुंचाकर प्रकाश संश्लेषण की मंद कर देते हैं। लाइकेन के पौधों के अधिक सुग्राही होने के कारण इन्हें अम्ल वर्षा संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अम्ल वर्षा के कारण प्राचीन भवन मूर्तियाँ गल जाती हैं, जैसे स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। तो जो लाइकेन होता है, लाइकेन यह जो है SO2 पॉल्यूशन का बेस्ट इंडिकेटर होता है क्योंकि यह ज़्यादा सेंसिटिव होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन, इसमें से कौन सा जो है बेस्ट इंडिकेटर है सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन का। तो सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन का जो बेस्ट इंडिकेटर है वो है ब्रायोफाइट्स, एल्गी, फॉर्न या लाइकेन। देखिए ये क्वेश्चन अभी पिछली बार ये भी पूछा गया था 2009 में और यहाँ पे पूछा गया है 2004 में। तो यहाँ पे सर ये हो जाएगा विच ऑफ दिस इज कॉल्ड द टेरर ऑफ बंगाल, इसमें से किसको हम टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। तो टेरर ऑफ बंगाल इकॉर्निया को, लैंटाना को या कैलेट्रोपिस को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इकॉर्निया को टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। हाउ मैनी कंपोनेंट डू एन इकोसिस्टम हैव, किसी भी इकोसिस्टम में कितने कंपोनेंट होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं या 5 होते हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि 2 होते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, इसमें से कौन सा जो है एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है जो कि इंसेक्ट्स को खाता है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो नेपेंथिस होता है यह इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, जो नेपेंथिस होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। यह जो है उस तरह की सॉइल में ग्रो करता है जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। वाट आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट कम्युनिटी, प्लांट कम्युनिटी का करेक्टरिस्टिक क्या होता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी, सेल्फ सफिशियंसी, डोमिनेंस, ऑल द एबव। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा
जो करेक्टरिस्टिक होता है प्लांट कम्युनिटी का, स्पीसीज डाइवर्सिटी, सेल्फ सफिशियंसी, डोमिनेंस, ऑल ऑफ द अबव, ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है, वेयर इज़ द हेड ऑफिस ऑफ बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया सिचुएटेड? बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऑफिस कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये है देहरादून में, मुंबई में, न्यू दिल्ली में या कोलकाता में? यह जो है सिचुएटेड है कोलकाता में। नेक्स्ट है, पॉल्यूशन ऑफ गंगा रिवर इज़ द इंक्रीजिंग मेनली ड्यू टू द रिलीज ऑफ द फॉलोइंग इनटू? जो गंगा रिवर का पॉल्यूशन है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, मेनली ड्यू टू रिलीज ऑफ फॉलोइंग, किस वजह से? तो ये है म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल सीवेज की वजह से, न्यूक्लियर स्टेज, फॉरेस्ट वेस्टेज। तो यहाँ पर म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल सीवेज के डिस्चार्ज की वजह से। नेक्स्ट है, ब्लू बेबी सिंड्रोम कॉज बाय द इम्प्योर वाटर ऑफ? ब्लू बेबी जो सिंड्रोम होता है किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो यह नाइट्रेट के, नाइट्रेट जब प्रेजेंट होता है वाटर में तो इसकी वजह से होता है। नेक्स्ट है, मिथेनो हीमोग्लोबिन इज कॉज्ड बाय मिथ हीमोग्लोबिन इज कॉज्ड बाय मिथ हीमोग्लोबिन इज कॉज्ड बाय किससे होता है? नाइट्रेट फर्टिलाइजर, लेड टॉक्सिसिटी, फ्लोराइड्स इन ड्रिंकिंग वाटर या ऑक्सीटोसिन? तो यहाँ पे मिथ हीमोग्लोबिन जो बनता है वो किसकी प्रेजेंस की वजह से बनता है? तो जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर यूज किए जा रहे हैं इनकी वजह से मिथ हीमोग्लोबिन बनता है। नेक्स्ट है, संकन एस्टोमेटा आर फाउंड इन? जो संकन एस्टोमेटा हैं वो कहाँ, किस में पाए जाते हैं? हाइड्रोफाइट में, मेजोफाइट में, जीरोफाइट में, नॉन ऑफ दिस। तो ये जो हैं जीरोफाइट्स में पाए जाते हैं जिससे कि वाटर लॉस कम हो। नेक्स्ट है, संकन एस्टोमेटा आर फाउंड इन, ये भी हो जाएगा जीरोफाइट। जीरोफाइट्स में क्या होता है कि मरुस्थल में, डेजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं, तो उसे वाटर लॉस कम हो इसलिए। एनाटॉमिकल फीचर ऑफ पाइनस इंडिकेट दैट इज ए? तो जो एनाटॉमिकल फीचर है पाइनस का वो क्या इंडिकेट करता है, वो क्या इंडिकेट करता है? हाइड्रोफिटिक प्लांट है कि जीरोफिटिक प्लांट है कि मेजोफिटिक प्लांट है, ब्रायोफिटिक प्लांट है? तो यह जो है जीरोफिटिक प्लांट है। नेक्स्ट है, विच वन इज जीरोफाइट? कौन सा एक जीरोफाइट है? मार्सिलिया है, एजोला है, साल्विनिया है या एक्विसिटम? एक्विसिटम जो है जीरोफिटिक टेरिडोफाइट है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। धन्यवाद।